हरिद्वार लोकसभा सीट पर पशुपेश में बीजेपी, संत मांग रहे टिकट, राजनीति गर्म। संत समाज से प्रत्याशी या फिर बाजी मारेगा कोई और, 2024 को लेकर मचा शोर। हरिद्वार लोकसभा सीट बनेगी हॉट सीट, 24 में जंग होने वाली है जोरदार। इस बार हरिद्वार की लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी चिंता में है। बीजेपी शायद पहली बार किसी सीट को लेकर विचार में पड़ चुकी है। बीजेपी वैसे भी जब ऐलान करती है कुछ ना कुछ नया करती है, लेकिन अब की बार लोकसभा की तैयारी है और बीजेपी चूक नहीं चाहेगी, शायद इसीलिए रणनीति बना रही है। लेकिन हरिद्वार की लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी उलझन में पड़ चुकी है। बीजेपी की चिंता बस यही है कि इस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। इस बार इस सीट पर संतों की दमदार पैरवी ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया। आरएसएस से लेकर बीजेपी तक पशुपेश में है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार सीट पर संत प्रत्याशी के होने की चर्चा है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान को यह तय करना है कि सीट से कौन लड़ेगा, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे ने इस मांग को और हवा दी थी। अब तो आवाज भी बुलंद दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब की बार हरिद्वार सीट को लेकर सियासी घमासान मचा है। वहीं बीजेपी इसी चिंता में है कि हरिद्वार सीट पर संत समाज के मतदाताओं की संख्या सीमित है, शायद इसीलिए बीजेपी संत को टिकट देने के लिए सियासी गुणा भाग कर रही है और मंथन भी जारी है। हरिद्वार लोकसभा में 11 सीट हरिद्वार जिले और 3 सीट देहरादून जिले की है। हरिद्वार ऋषिकेश में पहले आश्रम, मठ और मंदिरों में करीब 15,000 मतदाता है। कुछ दिन पहले हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हरिद्वार सीट पर भी चर्चा हुई। 4 दिन पहले हुई एक गोपनीय बैठक में भी संत समाज के कम मतदाता होने का मुद्दा उठ चुका है। कोर कमेटी में पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 घंटे से अधिक चली बैठक में संगठन की मजबूती पर अधिक जोर दिया। यही नहीं, रणनीति को लेकर भी कार्यकर्ताओं की थाली। लोकसभा चुनाव में संतों को प्रत्याशी बनाने की मांग अखाड़ों से जुड़े महामंडलेश्वरों से लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी तक कर चुके हैं, जिसकी वजह से संत को प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें चलने लगी और तेजी से मुद्दा हवा में घुल चुका है। हालांकि मुहर तो आलाकमान से लगनी है, ऐसे में उससे पहले दांव पेच का सिलसिला भी जारी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं हरिद्वार का समीकरण क्या है। 90 के दशक में कुंभ नगरी से संत जगदीश मुनि बीजेपी से विधायक चुने गए। उन्होंने कद्दावर नेता स्वर्गीय अमरीश कुमार को शिकस्त दी। बीजेपी विधायक को 48,728 वोट मिले थे। 2 साल के अंतराल में फिर से चुनाव में दोबारा 60,000 मत पाकर मुनि विधायक चुने गए। 1996 के चुनाव में भी 51,000 वोट मिलने के बावजूद सपा प्रत्याशी अमरीश कुमार से चुनाव हार गए। उसके बाद साल 2002 में राज्य गठन के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मदन कौशिक ने अमरीश कुमार को मात दी, जिसके बाद वो लगातार जीतते आ रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी पर दांव खेला, लेकिन वो चुनाव हार गए। कांग्रेस से हरीश रावत ने हराया था। यह सीट के सामान्य होने के बाद से पहला चुनाव था। रावत एक बार ही सांसद चुने गए, उसके बाद सीट बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस ने भी विधानसभा से लेकर नगर निगम चुनाव में संतों को मैदान में उतारा, लेकिन उनके हिस्से हाराए। शायद इसीलिए संत प्रत्याशी को लेकर बीजेपी चिंता में है। हालांकि मंथन का दौर जारी है, देखना है बीजेपी के पिटारे से क्या निकलता है।